है और इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने भी लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो अखिलेश यादव ने भी जनता से अपील की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सातवें चरण को लेकर मतदान की अपील अखिलेश यादव की तरफ से, सातवें अंतिम चरण के लिए मतदान करें, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया। मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जितना अधिक मतदान लोकतंत्र उतना अधिक बलवान, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और उन्होंने कहा है, एक बार फिर लोगों से ये अपील की है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर नलनी, बिल्कुल ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव की तरफ से भी अपील किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ही अपील की है जनता से ट्वीट के माध्यम से कि आप बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सेदारी निभाइए, ये आपका अधिकार है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप इस पर्व में बाहर निकले अपने घरों से और मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे अपील करता है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और अखिलेश यादव का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि आप मतदान करें अधिक से अधिक, क्योंकि देखिए जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा बलवान होगा। कई जगहों से भले ईवीएम खराब की खबरें मिल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उसको दुरुस्त कराया जा रहा है और एक बार फिर से मतदान शुरू हो रहा है। तो देखिए मतदान के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है। और लगातार हम मोनिका ये भी बताते रहेंगे दर्शकों को कि मत प्रतिशत क्या अब तक हो चुका है।